राम नाम में आने का, सत्संग में पधारने का तह दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनुक श्यामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो मालिक का नाम, प्रभु का नाम सुखों की खान है, पर सही ढंग से, सही तरीके से अगर लिया जाए तो इसका असर बेइंतहा ज्यादा है। डॉक्टर कोई भी मेडिसिन देते हैं, पुरातन समय में भी वैद्य कोई दवा देते थे, कोई भी दवाई दी जाती थी तो उसके साथ परहेज बताए जाते थे। बिन परहेज के दवा ली जाती थी तो वो फायदा नहीं होता था जो होना चाहिए। तो इसी तरह ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम है, अगर यह परहेज के साथ जो नियम बताए जाते हैं, सूफी संत पीर फकीर समझाते हैं कि भाई राम नाम की दवा, मालिक नाम की दवा आप लें, और ये तीन नियम हैं, तीन परहेज हैं, ये बुराइयां आपने नहीं करनी, उनको मानते हुए जब आप राम नाम का जाप करते हैं, प्रभु परमात्मा की भक्ति इबादत करते हैं, तो यकीनन आपकी हर जायज मांग की तरफ आप कदम बढ़ाते चले जाते हैं। कई बार इंसान कहता है कि यह मांग तो मेरी जायज थी, पूरी क्यों नहीं हुई। आप नहीं जानते जायज क्या है और नाजायज क्या है। यह तो समय के गर्भ में छुपा वो राज है जिसे परमपिता परमात्मा जानता है, इंसान इसे नहीं समझ सकता। तो आप भक्ति करो, इबादत करो, सुमरण करो, फल परमपिता परमात्मा पे छोड़ो। हां, जो आपकी इच्छा है, जो आप हासिल करना चाहते हैं उसकी प्रार्थना कर दीजिए और फिर प्रभु के नाम का सुमरण कीजिए, भक्ति कीजिए। अगर फिर भी वो आपकी मांग पूरी नहीं हो पा रही तो हो सकता है आपके लिए उसमें कुछ नुकसानदायक हो। हो सकता है जिस समय आप उतावलापन कर रहे हैं वो आपके अनुकूल ना हो, इसलिए वो अपने हिसाब से हर चीज को जरूर करता है अगर कोई भक्त उसकी भक्ति इबादत करता है।